हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज भूपेंद्र। ऑनलाइन स्टडी की इस श्रृंखला में आज हम चैप्टर सेकेंड वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय के न्यूमेरिकल टर्म के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी न्यूमेरिकल कुछ चार पांच कुछ पीछे बताए गए हैं, तो उसकी अगली कड़ी में हम आज बात कर रहे हैं। तो पहला दिया है दो समतल धातु पृष्ठों के बीच एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश वाली द्रव बूंदों को गिरने से रोकने के लिए कितने वैद्युत क्षेत्र की आवश्यकता है। तो सबसे पहले इस चीज़ के लिए एक नॉर्मल सा प्रिंसिपल है। तो संतुलन की अवस्था में द्रव की बूंद पर लगने वाला वैद्युत बल हमेशा द्रव के बूंद की भार के बराबर होना चाहिए, अर्थात द्रव की बूंद पर आरोपित वैद्युत बल बराबर द्रव की बूंद का भार। अब जानते हैं द्रव के बूंद पर लगने वाला वैद्युत बल F और द्रव के बूंद का भार क्या होता है mg, F इज इक्वल टू mg। अब जानते हैं F बराबर क्या होता है qe, तो qe बराबर mg। क्योंकि हमें यहाँ क्या निकालना था, कितने वैद्युत क्षेत्र की आवश्यकता होगी, तो हमें वैद्युत क्षेत्र मतलब E निकालना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो qe बराबर mg था, तो q इसके नीचे चला जाएगा रीजन में, तो अतः वैद्युत क्षेत्र E बराबर mg अपान क्यू। अब यहाँ पे एम की वैल्यू रख देंगे, जी की वैल्यू देंगे, क्यू की वैल्यू रख देंगे, तो हमें ई की वैल्यू पता चल जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट है अनंत लंबाई की आवेश रेखा पर आवेश का रेखीय घनत्व 4 μC/m है। इस रेखा से 4 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। अब यहाँ पे कुछ दिया गया है लैम्डा। लैम्डा क्या है हमारा आवेश का रेखीय घनत्व, तो को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो 4 μC/m है। माइक्रो का होता है 10⁻⁶, तो यहाँ लिख दिया 4 × 10⁻⁶ कूलाम पर मीटर। तो कूलाम को हम उसी से हम चाहें तो इसको हम क्यों लिख दे रहे हैं। आर इज इक्वल टू 4, तो यहाँ दूरी दी गई है इस रेखा से 4 मीटर की दूरी, तो इसको 4 मीटर रख दिए। ई वैद्युत क्षेत्र हमें निकालना है। अब यहाँ हमें फार्मूला हम जानते हैं ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πε₀r। अब वी नो दैट ई इज इक्वल टू 1/2πε₀ लैम्डा बाई आर, वेयर लैम्डा क्या है आवेश का रेखीय घनत्व है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है, हमें पता है क्या 4πε₀, तो हम क्या करेंगे 2 से गुणा 2 से भाग कर देंगे, तो 2 × 4 हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/4πε₀ 2λr, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, 2λ की वैल्यू 4 × 10⁻⁶/4, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 9 × 2 = 18 हो जाएगा, 9 में से 6 = 3, और इसे 4 कर देंगे तो यहाँ 1 डिजिट पर डेसिमल न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारा मतलब वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। और हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन है 0.02 mg द्रव्यमान वाली 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त एक तेल की बूंद समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी है। इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, मतलब यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे जो जो मेंशन है उसे पहले सबसे मेंशन कर लेंगे। तो गिवन है m इज इक्वल टू, तो द्रव्यमान क्या दिया है 0.002 mg, तो 0.002 mg, मिली क्या होता है 10⁻⁶ किलोग्राम में हम कर देंगे, किलोग्राम कर दिया। अब यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि है 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ n इज इक्वल टू 6, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इज इक्वल टू 1। अब हम जानते हैं संतुलन की अवस्था में बूंद पर लगने वाला वैद्युत बल बूंद के भार के बराबर होगा। जैसे पहला क्वेश्चन था कि क्या था, संतुलन की अवस्था में द्रव की बूंद पर लगने वाला बल हमेशा द्रव के बूंद के बराबर होना चाहिए। तो वही चीज़ या फिजिकल टू एम जी और या फिजिकल टू क्या होता है क्यू ई होता है। अब यहाँ पे हम ई की वैल्यू निकालना है, चूँकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है, तो ई इज इक्वल टू एम जी अपान क्यू। अब हम जानते हैं वी नो दैट क्यू इज इक्वल टू एन ई। एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जी क्या है ग्रेविटी है, एम क्या है मास है। सबकी
वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर देंगे, तो ई इज इक्वल टू क्या था, एम जी अपॉन एन ई, तो एम की वैल्यू रख दिया, जी की रख दिया, एन की रख दिया, ई की रख दिया, तो ई क्या चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹¹. अब इस सब को सॉल्व करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग 49/24 × 10⁻¹¹. अब इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो 2.04 × 10⁻¹¹ न्यूटन पर कूलम, ये हमारी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट है।